सबको नमस्कार। दिल्ली चुनाव के पहले हम लोगों ने वादा किया था कि जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में सुनिश्चित की है, ऐसे ही अब आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपके घर में साफ सुथरा 24 घंटे पानी सुनिश्चित करेंगे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। परसों दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और इस दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए, एक कंसल्टेंट को नियुक्त करने के लिए जो हमें सुझाव देगा कि दिल्ली में हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, ये सुझाव देने के लिए हमने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना हो गया था, कोरोना की वजह से लेट हो गई, नहीं तो कंसल्टेंट की नियुक्ति की कार्रवाई हम लोग मार्च या अप्रैल में ही कर देते। हमें यह समझना पड़ेगा कि दिल्ली में आज पानी की किल्लत क्यों है, दिल्ली में आपके घर में 24 घंटे पानी क्यों नहीं आता। दिल्ली देश की राजधानी है, आप दुनिया की किसी राजधानी में जाइए, टोक्यो में जाइए, लंदन में जाइए, पेरिस में जाइए, वॉशिंगटन में जाइए, वहाँ पे आपको 24 घंटे पानी अपनी टूटी से मिलता है और साफ सुथरा पानी मिलता है। दिल्ली में क्यों नहीं मिलता? हमारे दिल्ली में प्रेशर इतना कम आता है कि लोगों को पंप लगाना पड़ता है, पंप से चढ़ाना पड़ता है, और एक आदमी पंप लगा ले तो फिर अगले वाले के घर में नहीं आता पानी। सबको अपने अपने घर में टंकियां बनानी पड़ती है, पानी स्टोर करना पड़ता है। ये सब ख़त्म करना है। अब जैसे दूसरे देश की राजधानियों में 24 घंटे पानी मिलता है, पूरे प्रेशर पे मिलता है, किसी टंकी की ज़रूरत नहीं होती, कोई पंप नहीं लगाना पड़ता, ऐसे ही अब दिल्ली में करके दिखाएंगे, ऐसे ही अब दिल्ली में करेंगे। पानी की सप्लाई दिल्ली के अंदर जैसे विकसित देशों में, बड़े बड़े देशों में, आधुनिक देशों में जैसे सप्लाई होती है, ऐसे ही दिल्ली में करेंगे। दिल्ली में रोज़ 930 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन उत्पादन होता है। इसका मतलब दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या है। इसका मतलब हुआ कि हर दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे इस धर्म का हो चाहे उस धर्म का हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 176 लीटर पानी का उत्पादन होता है। इसमें सारा पानी आ गया, प्रति व्यक्ति 176 में, इसमें इंडस्ट्री वाला पानी भी आ गया, बड़े बड़े स्विमिंग पूल में पानी जाता है वो भी आ गया, खेती का पानी भी आ गया, सारी किस्म का पानी आ गया। तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। तो एक तरफ अपने को दिल्ली में पानी की उपलब्धता, पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है ताकि दिल्ली में ज़्यादा पानी मिले। इसके लिए हम यूपी सरकार से बात कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की सरकार से बात कर रहे हैं, अन्य सरकारों से बात कर रहे हैं जिनके पास ज़्यादा पानी है, ताकि दिल्ली को और पानी मिल सके। तो एक तरफ तो वो बात चल रही है, लेकिन दिल्ली में जितना पानी है, ये जो 930 MGD पानी है, ये जो 176 लीटर पानी हर व्यक्ति के लिए है, ये पानी कहाँ जाता है? ये पानी चोरी हो जाता है, इसमें से काफ़ी पानी, ये पानी लीक हो जाता है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 176 लीटर पानी भी कम नहीं होता। तो एक तरफ अपने को अब इस पानी का मैनेजमेंट ठीक करना है, इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। जैसे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मान लो 100 MGD पानी बना, ये 100 MGD पानी जब बाहर निकला, इसकी एक एक बूंद की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर बूंद पानी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अभी दिल्ली में काफ़ी पानी वेस्ट होता है, अभी दिल्ली में पानी का मैनेजमेंट सही नहीं है,
अभी दिल्ली के पानी की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कंसल्टेंट हम हायर कर रहे हैं ये हमें बताएगा कि पानी के अंदर मैनेजमेंट पानी का ठीक कैसे किया जाए और पानी की अकाउंटेबिलिटी, एक एक बूंद पानी को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेके आनी है। आज हम, पता है, बाबा आदम के ज़माने में जी रहे हैं। आज अगर हमें एक इलाके से पानी कम करके दूसरे इलाके में पानी भेजना होना तो हमारा वॉल्व वाला बंदा जाता है और वो वॉल्व की तीन चूड़ियां घुमा के आता है। आज दुनिया के देशों में ऐसी टेक्नोलॉजी है, दुनिया के देश तो क्या, हमारे जल बोर्ड के अंदर भी कुछ कुछ इलाकों में किया है कि सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठ के आप बटन दबा के किसी भी वॉल्व को रिमोट कंट्रोल से घुमा सकते हो, किसी भी वॉल्व को कम ज़्यादा कर सकते हो। वो टेक्नोलॉजी, सेंट्रल कंट्रोल रूम में पता होता है कि किस पाइपलाइन में कितना पानी जा रहा है, किस इलाके में कितना पानी जा रहा है, रियल टाइम बेसिस के अंदर हमें पता होता है कि कहाँ कितना पानी जा रहा है, कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सारी चीज़ कंट्रोल रूम से सुनिश्चित कर सकते हो। एस्काडा सिस्टम कहते हैं इसको। तो ये जो कंसल्टेंट है ये हमें वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा। तो अब हमें 24 घंटे पानी दिल्ली को देने की प्रक्रिया, उस दिशा में हमने उस दिशा में चलना शुरू कर दिया, उस सड़क पे चलना शुरू कर दिया। कुछ मैं कल पढ़ रहा था अखबारों में, कुछ विपक्ष के कुछ साथियों को कुछ गलत फहमी है कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, मैं तो खुद प्राइवेटाइजेशन के, पानी का प्राइवेटाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, इस बारे में आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।